गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। तथाकथित पत्रकारों का विधायक ने लिया नाम, कर दिया खुलासा। टिकटॉक पर ट्वीट करने वाले तथाकथित पत्रकारों पर विधायक मेदीराम द्वारा डीएम और एसपी को दी गई लिखित शिकायत, जिसके आधार पर भुरकुदा थाने पर हो रही है सभी की गवाही। आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं अल्पायुष व्यक्ति न्यूज। इसे मौजूद हम जखनिया विधानसभा विधायक मेदीराम कार्यालय पे, और आइए कुछ वीडियो के संबंध में बात करेंगे जो वायरल हुए हैं और अन्य और कुछ बातें हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। फसल विधायक जी, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज देखा जाए तो पूर्व के दिनों में तमाम ऐसे भ्रष्टाचार का आपने उजागर किया है और तथ्यहीन आरोप लगे हैं और आरोप सिरे से आधारहीन पाए गए हैं और कुछ लोग आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किए हैं, इसे लेकर क्या कहना है आपका? जो मैं अपने विधानसभा में काम कर रहा हूं उससे मेरी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, कुछ लोगों को अच्छा है, इसलिए वो मनगढ़ंत वीडियो बनाते हैं जिससे कि मेरी छवि धूमिल हो, जैसे मैं कोई भ्रष्टाचार है इसको उजागर करता हूं। और जो भी होता है ये जो लोग कर रहे हैं वो साजिश करते हैं। और हाल ही में देखा जाए तो बीते दिन पूर्व में एक ग्राम प्रधान का वीडियो वायरल हुआ है, इसके संदर्भ में क्या कहना है आपका? ये भी वीडियो मैंने बताया कि ये साजिश के तहत ये वीडियो बनाया गया है और एक प्रधान है धर्मदेव यादव जी, उनसे बनाया गया है, लेकिन उनका कहना है कि मुझे जो है पहले ताड़ी पिलाया गया, कुछ नशे की कुछ उनको नशे की चीजें दी गई, ये जो और ये किसके द्वारा दिया गया, ये जो वीडियो बना रहे थे उनके द्वारा दिया गया और उस वीडियो में लंबी बातें की गई। एक वीडियो मैंने उसमें कहा गया, उसी वीडियो में कहा गया है कि डीएम को जिलाधिकारी महोदय को और जिलाधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ये कमी से पहुंचाया जाता है। और उसी वीडियो में उन्होंने मेरे भी कमीशन का आरोप लगाया, लेकिन वो जो जिलाधिकारी और जो कमीशन की बात कही गई है उसमें उन्होंने काट करके दूसरा कर दिया और मेरा दूसरा कर दिया, पहला वीडियो दूसरा वीडियो। जो पहला वीडियो है वो जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा है कि ये भी कमीशन लेते हैं, और जो दूसरा वीडियो है वो मुझे इन्होंने कहलवाया है और वो नशे में था, जो प्रधान है वो नशे में था और वो नशे में ये सब कहा है और कहा भी यही है, उससे कहवाया गया है। और ये भी बता दें कि ये साजिश के तहत कहलवाया गया है कि जिससे मेरी छवि भूमि हो, लेकिन कोई आधारहीन आरोप लगाता है तो उससे मेरे सेहत तो कोई नहीं फर्क पड़ता है, कि जनता है सब जानती है। और पत्रकार में जो चाटुकार है, मैं एक दो तीन लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चाटुकार पत्रकार जो दूसरे के कहने पर चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे किसी कहने पर वो कुछ पैसे दे करके और ये वीडियो बना रहे हैं, और मैं नाम नहीं कहिए तो बता दूं, नाम मैंने लिखित भी दिया है, और ये मेरे बेटे को फोन करके मिस्टर अजय कुमार है, उन्होंने ये वीडियो भेजा और बताया कि मैंने वीडियो बनाया है। एक प्रदीप दुबे है,
वो भी वीडियो बना के बता रहे हैं, मैंने वीडियो बना के चला रहा हूं। अब ये बताइए, ये तो पत्रकारिता है। अरे पत्रकारिता के नाम पर ये सब कलंक है। इन लोगों के खिलाफ आप लोगों को जो पत्रकार बंधु है उनको खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये गलत सलत वीडियो क्यों बना रहे हैं बदनाम करने के लिए। सिर्फ थोड़े से पैसे की लालच में, थोड़े से पैसे की लालच में ये वीडियो बना रहे हैं। इस तरह वीडियो बनाने क्या सकता है? अब साबित करते मैं किसी प्रधान से, उसको प्रधान बता रहा है कि मैंने कभी देखा तक तो उनके पास कभी नहीं, उनसे मिला न मेरी कभी बात। ये वो अपने जो है अपने बयान में वो खुद कह रहा है कि मैं कभी भी उनसे बात नहीं किया, न काम की बात किया, कोई बात नहीं किया, और न उससे न उसका चेहरा मैं उसका चेहरा मैंने देखा, न वो मेरा चेहरा देखा, फिर ये वीडियो बना के डाल रहे हैं। अरे ऐसे ये जो है पूरे जो पत्रकार बंधु हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। मेरे साथ साथ मेरे खिलाफ नहीं बना रहे हैं, वो जो मीडिया बंधु उनके खिलाफ भी बता रहे हैं। ये स्वच्छ है जो ये देश के चौथे स्तंभ है, इनको चौथा स्तंभ इसलिए माना गया है कि निष्पक्ष खबर निकालते हैं, लेकिन ये निष्पक्ष खबर न निकाल करके एक साजिश के तहत एक साजिश बना करके और डीएम को और सीएम को और मुझे बदनाम करने की साजिश किया है। देखा जाए तो जिस तरह से आपका कहना है कि ग्राम प्रधान को कहलवाया गया है वो उनकी जानकारी में नहीं है, और ग्राम प्रधान द्वारा भुखरा कोतवाली में इनके संबंध में तहरीर दी गई है, और आपके द्वारा इस सब मामलों को देखते हुए क्या कार्रवाई किया जा रहा है? मुझे ये भी पता चला है और मेरे पर भी कई लोगों पर व्हाट्सएप आया है। वो थाना भुखरा में जो धर्मदेव यादव है वो एक तहरीर लिख करके एप्लीकेशन लिख करके उन्होंने थाने में दिया है। जो यशो है तारावती यादव उन्हीं को दिए हैं, तो उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे बताया था चल रही है। तो उसके बाद मैं कल एसपी के यहाँ गया, एसपी से मिला और डीएम से मिला। मैंने इस चीज़ से अवगत कराया कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं, तो कुछ पत्रकार नहीं, मैंने बाई नेम का अजय कुमार और प्रदीप दुबे, ये पत्रकार ऐसे हैं जो पैसे लेकर साजिश करके किसी को बदनाम करने के लिए, मैं आदमी नहीं, मैं जखनिया का विधायक हूँ और मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैंने कहा इनके खिलाफ एक्शन लीजिए और मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, और जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, अगर दर्ज मुकदमा दर्ज नहीं होगा किशोर सुलभ खिलाफ, मैं लड़ता रहूंगा, अंत तक लड़ूंगा, और जब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा इनके खिलाफ, नहीं तो आज मेरे खिलाफ कल दूसरे खिलाफ, जिससे तब तो पैसा पाएंगे उसी तरह पूरी पत्रकारिता को बदनाम करके रख देंगे। पत्रकारिता स्वच्छ है, पत्रकारिता पर लोग भरोसा करते हैं, लोग पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं कि ये खबर सही होगी, लेकिन ये दो लोगों की वजह से जो ये बनाए हैं और खुद जिसके जो बनाए हैं और जिसके जिससे मिल के बनाए हैं और जो धर्मदेव यादव का बयान लिए हैं, उसने खुद बताया है कि मुझे नशे के हालत तक करके और मुझसे बयान ले लिया। तो जिस तरह से आपने वहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से डीएम और एसपी गाजीपुर को दिया है, तो क्या कुछ आश्वासन मिले हैं आपको? डीएम साहब ने भी कहा कि इसकी जांच करा ले रहा हूँ और इसको FIR कराऊंगा और FIR दर्ज करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से विधायक का वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो में ग्राम प्रधान ने पहले क्या बयान दिया, और जब दोबारा पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं नशे के हालात में था, मुझे अब ये कहलवाया गया है और विधायक जी पे झूठा आरोप लगाया गया है, मैं विधायक जी को जानता हूँ लेकिन विधायक जी मुझे नहीं जानते हैं, ऐसे में अलग अलग दो एक ही व्यक्ति द्वारा दो बयान दिया जा रहा है। उधर से विधायक जी का यह कहना है कि ग्राम प्रधान को गुमराह करके बयान लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय, अब जांच आने के बाद क्या सही है क्या गलत है तभी सही सामने होगा। आप देख रहे हैं अजय कुमार के साथ।